आज ये शॉपिंग में लाए हैं क्या? ये आड़ू, ये क्या? केला। अरे टेबल ना तोड़। खरबूजा, घिया, टमाटर और काड़े। काड़े आज दिखा दे कितना शॉपिंग करवा के आए हैं। तेरे मम्मी ने रुपये लगवा दिए, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे 200 रुपए लग गए। ये तोरी लाए हैं हम। तुरई है किसे? तोरी, तुरई, तुरई, तुरई। और ये मेरी फेवरेट सब्जी, तोरी टिंडे लाके बोल रहे बहुत खर्चा हो गया। परमल, परमल खिलाऊंगी तुम्हें, आलू भुज्जी बना के इसकी। अच्छा अच्छा और हम लाए हैं धनिया, ठीक है, पुदीना, पुदीना, पादीना, भिंडी, मिर्च। वाह क्या क्या क्रिएटिव ब्लॉगिंग हो रही है। क्या क्या क्रिएटिव ब्लॉगिंग कर रहे हो। नींबू 50 रुपए पाव। 50 रुपए पाव। यस लो टिंडा दिखा दी। एक अच्छी एक्सपेंसिव सब्जी नहीं लाए ये लोग, सारी एक्सपेंसिव है। टिंडा छोड़ गए, खीरा 2 किलो, खीला, अदरक 1 पाव। तो ये बताने का तात्पर्य क्या, क्या बताना चाहते हो इससे? और ये सबसे मेन बात, नींबू 1 पाव, ये मिर्च लाए, इसका लगेगा तड़का। ये तुम शो ऑफ कर रहे हो ना लोगों के सामने। गाइज हम शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं सब्जियों। 1 लाख की शॉपिंग कर ली आज। जाओ फ्रिज में रखो सारा, इसलिए शो ऑफ कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा काम वाम करो। ना 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 तुम रखो आराम से, मैं आता हूँ। अच्छा हाँ चलो बाय। हाँ जी गाइज, तारिका का बीपी लो हो रहा है और हमने कहा चलो, मम्मी ने ही बोला कॉफ़ी बना दो, तो एक बार कॉफ़ी पिला के देखते हैं। गाइज मम्मी ने भाभी जी के लिए कॉफ़ी बना दी है, अब मम्मी वापस पैक कर रही है, कॉफ़ी बिखर गई थी, नेस्ले वालों को वापस दे के आएंगे। कह रही है मुझे कुछ हो जाए तो दूसरी शादी कर लेना। मैंने कहा किससे? कह रही अच्छी लड़की से। मेरी नज़र में है 1-2 अच्छी लड़कियाँ। क्या बोलती हो, मरने से पहले सिलेक्ट फ़ोटो दिखा दूँ? सिलेक्ट कर लेना। फोटो दिखा दूं? पता है, पता चला नहीं मरी, मेरी जिंदगी में लग गए। बड़ी चालू चंट बेटा। चंट चंट है, गुस्सा दिलाओ इसे, इसका बीपी तेज जाएगा। हैं बीपी तेज करते हैं तेरा। 3 चाटे में तेरा बीपी तेज हो जाएगा। हो रहा है थोड़ा उठ रहा है। एक चाटा और। अभी अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं हाई हुए, हो रहा है। अभी अपने आप ठीक हो जाऊंगी मैं। ये मुन्ना भाई का क्लिनिक है। 2 लाफा मारने का था, बीपी लो से हाई हो जाने का था। इतना दे दिया, इस सब को लाके दे दिया, ओआरएस लाके दे दिया, लेके ही नहीं गई। भूल गई थी मम्मी की कसम यार। भूलेगी तो है ही ना, लेट हो गई, क्योंकि जहाँ 11 बजे उठना था वहाँ 11:30 हो गए। 11:30 के 11:45 के अलार्म हो गई, और 11:45 फिर 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। 12:05 सॉरी। मुझे लगा मेरे पैर में लगाने जा रहे हो। क्यों, इससे क्या हो जाएगा? बीपी ठीक हो जाएगा। मसाज करो उनके पैरों के तलवे, घसो थोड़े। नहीं तलवे घसने से क्या होगा, गर्म होगा, बीपी बढ़ेगा। गाइज हम दूध लेके आ चुके हैं, मम्मी ने 2 किलो मंगाया था, हम 2 किलो ले आए हैं, और अब बनाने जा रहे हैं हम सेवैयां। चलो, किसी ने हमें झूठ बोला, हमको बोला था कि तुम दूध लेके आओगे, हम तुमको किचन में मिलेंगे, लेकिन आप तो किचन से बाहर घूम रहे हो। किचन की सीमा रेखा में क्यों नहीं हो राजमाता? अभी मेरे को मोनोपॉड मिल गया, तो मैंने मोनोपॉड लगाया, मम्मी ऐसे ऊपर से नीचे करके देख रही है क्या जुगाड़ ले लिया इसने। आपको नहीं पता मम्मी मोनोपॉड क्या होता है? मोनोपॉड होता है, आप देखो मेरे हाथ फ्री है, अब हाथ दुखेंगे नहीं कैमरा उठाने में। इतनी देर में क्या था, टूट गया भाई? तो कैमरे का वेट भी तो 2 किलो है। अच्छा, ज्यादा वजनदार चीज हो गया वजन। हाँ, ये आप करके रहे हो अभी, क्या चखना सा बना रहे हो? चने मिला रही है। क्यों खाना खाते नू? चटकारे पूरे हैं, चटकारे पूरे हैं। सेवैयां ना बन पाएंगी लेकिन आज। आप सेवैयां बनाने आए थे किचन में? गाइज मम्मी बोल रही है अब कि सेवैयां तू बना ले, तो मैं शाही सेवैयां बनाऊंगा, मैं ऐसे दूध में सेवैयां डाल के नहीं उबालूंगा, तड़के वड़के मार के। अच्छा क्यों तड़के वड़के क्यों मारेगा? हमारी भाभी जी ने सिखाया तड़के मार के सेवैयां बनानी। अच्छा हाँ, ये देख लो, मम्मी जी को हम लाए तो इसलिए थे किचन में सेवैयां बनाएंगे, चाट बना रहे हैं। चाट बना के पहले खा लेंगे, जब बनवाएंगे ताकत आओगी जब तो बनावा।
अच्छा है? तो गाइज सेवैयाँ बनाने की जिम्मेदारी हमने खुद ले ली है, अब हम खुद बनाएंगे अलग तरीके से। आप ये मत बोलना सारे घी का सत्यानाश कर दिया ना? तो ना तो कौन बनाएगा फिर? हम खुद बना देंगे तू टाल कर। नहीं गाइज अब तो सेवैयाँ मैं ही बनाऊंगा, मैं बनाने जा रहा हूँ। अब आप कैमरा पकड़ो, ठीक है? उरेसी क्या ले, आप कैमरा पकड़ो बस, अब सेवैयाँ मैं बनाऊंगा। ये कुछ ना बनाओ, मेरा घी का सत्यानाश करेगा। मैं बनाऊंगा सेवैयाँ, अब बस आप कैमरा पकड़ो जल्दी से। ले गाइज हम गए सब किचन में सेवैयाँ बनाने, लेकिन वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, तो इसलिए अब हमको ये कार्य बाहर मम्मी जी को ही सौंपना पड़ेगा। मम्मी जी चलो। ठीक है, प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। दूध डाल दिया है, बादाम काट लिए है, और क्या ढूंढ रहे हो? लाइटर। लाइटर गैस के नीचे होगा, देखो। हाँ भैया जी लाइटर सिंक में फेंक दियो। लियो ये रख दिया हमने दूध उबालने के लिए, एक चम्मच बस। घी का सत्यानाश कर दिया, सारा घी खा गए। सारा घी खा गए, 15 किलो घी खा गए। गाइस बस इतनी बची है ना, ये गाइस मम्मी ने सेव में डाल दी। गाइस मम्मी ने गैस चेंज कर दी क्योंकि सेवैयों को धीमी आंच पे पकाना था और दूध को तेज आंच पे। तो मम्मी ने गैस चेंज कर दी है, इनकी लोकेशन बदल दी है, तो अब सेवैयाँ उधर जाएंगे और दूध इधर आएगा। ये दूध गिर दिया सेवैयाँ है। सेवैयाँ में दूध डाल दिया, ये लो भाई साहब। अब कितनी देर तक पकाना है इनको? 5 मिनट बस। 5 मिनट पक जाएगी? पक कटुन पक के लूडी लूडी आंडे की लूडी लूडी तो लेंगी। ये गिर दिया हमने बादाम, बादाम डालेंगे हम इलायची अच्छी तरह कूट के। हाँ थोड़ी तो कूटेंगे भैया। नहीं भाग गई इलायची, भाग गई। हम इलायची कूटेंगे हथौड़ी तो, हमने वो अच्छा नहीं लगता इनका। कुट 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 खेच के मार, मम्मी खेच के मार, खेच के मारूंगे स्लेप में तो पार जाएगी। पिटवा होगा और तू बने इनको। कौन मारेगा आपको? पिटेंगे नो कह देंगे, बुड्ढी ने कर दिया काम। इलायची भी डल गई है भाई साहब, अब सेवैयों को पकने में लगेगा थोड़ा सा समय। थोड़ा सा दूध बचा था गाइस, वो भी डाल दिया मम्मी ने। ये लिए सेवैयाँ तैयार, खानी हो तो आ जाओ गाइस। है गाइस किचन खानी हो तो आ जाओ, किचन खानी हो तो अपनी बनाओ और खाओ। नहीं हम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा आपको मम्मी के ढाबे में। मम्मी के ढाबा माना, मम्मी के परांठे। हाँ परांठे का ढाबा, परांठे के ढाबे में एक डिश और ऐड हो गई है, सेवैयाँ प्योर देसी घी में। अच्छा लोकेशन तो बताओ कहाँ पहुँचे? ये वो तो मन ना मेरा भाई कित पहुँचोगे तुम? चिन्नी स्वाद अनुसार, लेकिन भाई तो कम खाते हैं, कम ही डाल दी है हमने। गाइज इतना ही था ये ब्लॉग, ठीक आज की ईद मुबारक पसंद। गाइज इतना ही था आज का व्लॉग, होप्स आप सभी को पसंद आया होगा। सेवैयों के रिव्यू अब हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि भाई जिम गए हुए हैं, उन्हें आने में लेट हो जाएगा, तब तक व्लॉग अपलोड करना, ठीक है? और अगर व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक जरूर करना। लाइक नहीं करते हो? मैं देखता हूँ 100-150 लोग देख रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते 10-5। तो गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आप सभी को ईद मुबारक, लव यू बिग चुम्मा।